लेकिन अब हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो खबर आपको अलर्ट करने के लिए है। ध्यान से देखिएगा ये तस्वीर जो हमारे पीछे है, ये देखिए। इस तस्वीर में जो हुआ वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, रील बनाने के चक्कर में। ध्यान से देखिए, ये लड़की आपको यहां तक दिखाई दे रही है, गाड़ी बैक करती है, उसके बाद क्या होता है वो हमारी रिपोर्ट में है। और आज ये खबर हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। ये खबर रील बनाने की सनक से जुड़ी है, जिसकी वजह से लोग अपनी जान तक पर खेल जाते हैं, लाइक और व्यूज के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र के संभाजी नगर का है, जहां रील के पागलपन में एक युवती की मौत हो गई। 23 साल की श्वेता कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी थी, गाड़ी स्टार्ट थी, वो मुस्कुरा रही थी, गाड़ी रिवर्स गियर में थी। दत्त धाम मंदिर के पास परफेक्ट रील बनाने के लिए कैमरा ऑन हो चुका था। श्वेता का दोस्त शिवराज वीडियो बना रहा था। गाड़ी धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रही थी, शिवराज रील बना रहा था, पीछे की तरफ खाई थी। इसी दौरान श्वेता ने ब्रेक के बजाय हड़बड़ाहट में एक्सीलेटर दबा दिया, नतीजा कार तेजी से पीछे गई और शिवराज के चिल्लाने की आवाज आई। इस हादसे में कार 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। 24 सेकंड के इस वीडियो में दिखा कि रील के चक्कर में कुछ सेकंड में कैसे एक युवती की जान चली गई। ये रील श्वेता की जिंदगी की आखिरी रील साबित हुई। दत्त धाम मंदिर के पास प्राकृतिक सौंदर्य है, अक्सर लोग यहाँ घूमने फिरने और रील बनाने के लिए आते हैं। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया। ये कोई पहली घटना नहीं है जब रील की सनक में किसी की जान गई हो। इसी साल 15 जून को भोपाल में रील बनाते हुए बाइक फिसलने से लड़के की मौत हो गई। 3 मई को उत्तराखंड के रुड़की में रेलवे ट्रैक पर रील बनाने में छात्रा की जान चली गई। 1 मई को राजस्थान के कोटा में कट्टे के साथ रील बनाते हुए 22 साल के युवक की गोली लगने से मौत हो गई। 20 अप्रैल को यूपी के बांदा में उल्टा लटक कर रील बनाते हुए 21 साल के लड़के की गिरने से सांस उखड़ गई। भारत में रील बनाने का रोग अब जानलेवा हो चुका है। समय समय पर इस वजह से मौत या एक्सीडेंट की खबरें आती रहती हैं। इसके बावजूद लगता है किसी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। 21 मई 2024 की यह तस्वीर झारखंड के साहिबगंज की है। रील बनाने के लिए एक युवक ने 100 फीट की ऊंचाई से पानी में छलांग लगा दी। नदी में डूबने से वो युवक जान से हाथ धो बैठा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऐसा ही एक हादसा 19 मई को हुआ। रील बनाते हुए 2 छात्र नर्मदा नदी में कूदे, उनकी जान चली गई। तेलंगाना के काजीपेट का ये वीडियो देखिए। तारीख थी 5 दिसंबर 2022। 17 साल का एक लड़का रेलवे ट्रैक के करीब रील बनाते हुए हाई स्पीड ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। ये तस्वीरें बताती हैं कि रील बनाने की सनक कितनी गंभीर हो चुकी है और ये रोग कितना जानलेवा बन चुका है। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक सेल्फी या रील्स बनाने में सबसे ज्यादा मौत भारत में होती है। सेल्फी या रील्स के मामले में दुनिया में जितनी मौत होती है उनमें 50% अकेले भारत में होती है। हिंदुस्तान में रील बनाने की सनक युवाओं में किसी वायरस की तरह फैल रही है, जिसमें जान जाने के अलावा समय की बर्बादी भी बेहिसाब हो रही है। इंस्टाग्राम पर रोज करीब 60 लाख रील्स बनती है। रील्स पर हर दिन औसतन 28 मिनट खर्च होते हैं। 8 से 23 साल की उम्र के युवा रोज 360 से 480 रील्स देखते हैं। ये युवा रील्स देखने में रोज करीब 1.5 से 2 घंटे खर्च करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश में 8 करोड़ लोग रील बनाने वाले हैं। इनमें रील के जरिए कमाई करने वाले सिर्फ 1.5 लाख, यानी बाकी 7 करोड़ 98 लाख अपना समय बर्बाद करते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए भारत सबसे बड़ा रील बाजार है। यहाँ 600 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं। इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने और देखने वाले सबसे ज्यादा यूजर्स भी यही हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 36 करोड़ 29 लाख लोग इंस्टाग्राम पर हैं।